जी तो जनाब, अब हम रूम के अंदर एंटर हुए हैं और ये है जी निशात का ट्विन बेडरूम। इससे पहले मैंने दूसरे वाले जो है इसका डीलक्स किंग जो इनका है डबल बेड, उसका मैंने रिव्यू किया था, लेकिन ये दो सेपरेट ट्विन बेड हैं। तो आज इस रूम का भी रिव्यू करते हैं और आज मैं इस रूम में ही रुका हुआ हूँ। तो आइए सबसे पहले रूम के अंदर आते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ इसके बेड और वो जी। तो ये है जनाब साहब इसके ट्विन बेड। अप्रॉक्सीमेटली तमाम चीज़ें वैसी ही हैं, ये बेड सिंगल बेड है और आज उनके पास रश काफ़ी था, तो उन्होंने कहा कि आपको अगर हम ये कंबाइन करके दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप ये देख सकते हैं। नाइस वाइट शीट्स और ये पिलोज़। अब सोना तो जारी बात है, मैंने सिंगल नहीं है, तो एनीवे मैंने कहा सेपरेट ही रहने दें, कल अगर आपके पास रूम अवेलेबल हो जाता है तो फिर मैं डीलक्स रूम जो इनका है डबल बेड वाला उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये है जनाब साहब इसके रूम का। क्विकली हम फिर टूर कर लेते हैं कि इसमें क्या है। सेम वही उसी तरह की चीज़ें हैं नोट्स के लिए। देन उसके बाद ये किधर लैम्प है कि देन उसके बाद अगर हम आते हैं ये बेड, नाइस बेड है ये, कम्फी बेड है। और इस वाली साइड पे भी आपको यहाँ पे रिमोट नज़र आ जाता है और सॉरी एक्सक्यूज मी, पेट भी काफ़ी निकल आया है एनीवे। और उसके बाद इसका मैं थोड़ा सा आगे का व्यू आपको दिखाता हूँ। ओके, दो कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल्स इन्होंने वही उसी तरह दी होती हैं जो आम रूम में होती है। फ़र्क थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे उन्होंने सोफ़ा शोफ़ा नहीं रखा हुआ, और जो कि मेरे हिसाब से हम डबल बेड ट्विन बेड है तो कम से कम दो तीन तो होने चाहिए थे, तो ये नहीं है। इसके अलावा रूम का देखा जाए तो इधर इन्होंने मिनी बार दिया हुआ है। मिनी बार में इस दफ़ा तो काफ़ी चीज़ें दी हैं, पीनट्स, पिस्ताशो और काजू एंड आलमंड्स, ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें इसमें उन्होंने दी हुई हैं। और देन उसके पास बाद हमारे पास ये, अच्छा ये कोकोमो भी देने लग गए हैं, लेकिन यहाँ से किसी ने कोई चीज़ खाई तो समझें फिर उसका बिल कहाँ पे पहुँच जाएगा, वो हम ही जो है ना वो आइडिया खुद ही लगाना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे ये है मेन्यू, आज हम मेन्यू में से कुछ ना कुछ ज़रूर मंगवाएंगे तो फिर खाएंगे, फिर आपको उसका भी रिव्यू मैं दूंगा। ये एक नई चीज़ इसमें देख रहा था, इसमें इंस्ट्रक्शन है, वेलकम टू द डिलाइटेड दैट यू हैव सिलेक्टेड आवर होटल, प्लीज ओके। अच्छा ये इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन है रूम्स की, कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट की, हेल्थ क्लब की, हाउसकीपिंग की और टाइमिंग की। तो ये साथ एक उन्होंने शेयर दी हुई है। और अगर हम इधर देखते हैं तो इसमें उसी तरह ये इनकी सबसे अच्छी चीज़ है जो मुझे कई होटलों में नहीं मिली थी। इसमें आप अपना आराम सुकून से खुद अगर ग्रीन टी बनाना चाहें या कॉफ़ी बनाना चाहें तो आप आराम से बना सकते हैं। और उसके अलावा ये फ्रिज है, ठीक है, और इस फ्रिज में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ओके जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं जनाब साहब बॉटल, इसी तरह पानी की, और कोक, फांटा, रेडबुल भी है, दो अदद इन्होंने वो भी दी हुई हैं चॉकलेट्स, तो चीज़ें तो काफ़ी सारी दी हुई हैं। ओके इसको बंद करते हैं ना, वो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो ये मैंने अभी इसकी कबर्ड है, ये आप देख सकते हैं, सेम उसी तरह ही तमाम चीज़ें हैं। सेम जो है आपको इसका जो इन्वायरमेंट वो मिलेगा। अच्छा उसमें ये है, ये वेट मशीन आ गई, देन उसके बाद ये काम की चीज़ है शू शाइनर, ये इन्होंने एक दिया है जबकि यहाँ पे बेड तो यार ये ट्विन ने दिया आपने, एक है वेरी स्ट्रेंज। ओके दी लॉन्ड्री बैग्स हैं, दो स्लीपर्स हैं, चलो ये तो अच्छी चीज़ है। बाकी ये ऊपर आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं अपने कपड़े और क्लॉथ। ये इसको अगर हम बंद करते हैं, सॉरी पहले ये बंद होगा या वो होगा, ये इसी तरह ही होगा। ओके उसी तरह फिर जाए नमाज़, कुरान पाक और लॉकर। सो ये लॉकर भी उन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है,
दो अदर ड्रा हैं जो मेरे ख्याल एम्प्टी होंगे, यस एम्प्टी हैं, और ये ऊपर एक और उन्होंने ये दी हुई है। ये क्या चीज़ है, अब ये पता नहीं ओपन कैसे होती है। चले एनीवे, ये उन्होंने एक और ऊपर भी लॉक कर दिया हुआ है। सो दिस इज़ द ओवरऑल रूम, और अब फटाफट आपको मैं इसका वॉशरूम का भी टूर करवा दूँ कि इसमें क्या डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वॉशरूम में हम आ चुके हैं। वॉशरूम में जनाब साहब उसी तरह इनकी अच्छी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें ये दे देते हैं। उसमें सैंडी बैग है, निशात की कॉम है, डेंटल किटें दो हैं, और सैनिटरी नैपकिनस हैं, ठीक है, और क्यू टिप्स हैं, यहाँ पे शावर कैप है, स्विमिंग है, और जो कॉम है, ठीक है, यहाँ पे ड्रायर भी उन्होंने दिया हुआ है साथ में। ये जो है वो लोशन, बॉडी लोशन जो है इनका, ये भी है रोज़ बॉडी लोशन, और साथ में एक अदर सोप, दो अदर यहाँ पे सिर्फ टावल मेरे ख्याल कम दिए उन्होंने, दो टावल भी हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कंपोर्ट दिया हुआ है साथ में, ये इमरजेंसी के लिए टेलीफोन है, और क्या हो सकता है जनाब साहब। उसके बाद ये बादिंग एरिया है, ये बादिंग एरिया आपके सामने उसी तरह ही है, उसमें तीन चीज़ें हमारे पास हैं, सेंट्री रोज बॉडी वॉश, ये इनका एक ही है, मैं पहले उन्होंने एक ही कंपनी से इसको किया हुआ है, और ये एक ही इनके पास होता है हमेशा से। तो ये सेपरेट एरिया है, और यहाँ से ये सेपरेट है। तो ओवरऑल मैं अगर आपको रूम का रिव्यू करके दिखाता हूँ तो वो ऐसे होता है, ये सॉरी रूम का कह दिया, वॉशरूम का। तो ये एक अच्छा खासा वॉशरूम है यहाँ। एनीवे, अब दोबारा से हम रूम में आते हैं, तो ओवरऑल मैं आपको रूम भी दिखा देता हूँ ये, ताकि आपको इस कैम में रूम भी ओवरऑल नज़र आ जाए। ये एंट्रेंस और ये रूम। ओके, सी यू। बाकी अगर आप रेट्स के हवाले से बात करते हैं तो ये एक्सक्लूडिंग टैक्स है, मैंने दो दिन रुकना है, तो ये ट्विन बेडरूम जो है ये 33,800 रुपीज़ का ये आपको दोनों ट्विन बेड वाला रूम ये मिलेगा, ये एक्सक्लूडिंग टैक्स है, ठीक है। तो बाकी आप मेरे ख्याल 16% है या जितना भी टैक्स हो वो उसमें ऐड हो जाएगा। सो दिस इज़ द रूम, बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट रिव्यू में, बाय।